लेसन लिखा गया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हाँ, अलेक्जेंडर बैरन के द्वारा, और अलेक्जेंडर बैरन है वो ब्रिटिश ऑथर हैं और स्क्रीन राइटर। बैरन्स फर्स्ट बुक एंटाइटल फ्रॉम द सिटी फ्रॉम द प्लाव, ये उनका फर्स्ट बुक थी जिसका नाम था द सिटी फ्रॉम द प्लाव, वाज ए वार नॉवल, ये एक युद्ध पर लिखा गया उपन्यास था। द मैन हू न्यू टू मच इज इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन द ह्यूमन काइंड, और ये जो लेसन है ये उनकी ह्यूमन काइंड कलेक्शन से लिया गया है। एक मैं थोड़ा सा बता दूं आपको अलेक्जेंडर बैरन के बारे में, बता देता हूँ। अलेक्जेंडर बैरन है वो एक लेखक होने के साथ साथ उन्होंने युद्ध में भी हिस्सा लिया था, ठीक है ना, जो युद्ध हुआ था उसमें भी। इसके बाद देखिए, प्राइवेट क्वेल्च ट्रेनी सोल्जर वाज ए मैन विद ग्रेट एम्बिशन एंड रिमार्केबल स्किल्स। प्राइवेट क्वेल्च नाम है, ठीक है, और क्वेल्च नाम है, प्राइवेट कब बोला जाता है, देखो प्राइवेट बोलते हैं जब तक किसी आर्मी ऑफिसर पर, जब तक कोई रैंक नहीं हो, मतलब उसकी ट्रेनिंग चल रही, जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई हो, ठीक है, तब तक उसको बोलते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट क्वेल्च है एक ट्रेनी सोल्जर है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षु है, वाज ए मैन विद ग्रेट एम्बिशन एंड रिमार्केबल स्किल्स, अच्छे उसकी स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, उसका एक उद्देश्य भी अच्छा है। द नरेटर एंड हिज कलीग्स निकनेम्ड हिम प्रोफेसर ऑवइंग टू हिज एनॉर्मस नॉलेज इन एवरी सब्जेक्ट, उसकी प्रत्येक सब्जेक्ट में शानदार नॉलेज को देखकर सबने उसका निकनेम, मुंह बोला नाम रख दिया था प्रोफेसर। क्वेल्च ऑलवेज क्वेश्चन्ड हिज इंस्ट्रक्टर्स, करेक्टेड हिज ट्रेनीज एंड सरनाइज्ड हिज फेलो सोल्जर्स, हेंस इनवाइटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम एवरी क्वार्टर। वो जो क्वेल्च था वो हमेशा अपने जो सीनियर होते थे, ठीक है, जो ट्रेनर होते थे, इंस्ट्रक्टर होते थे, उनसे सवाल करता था, ठीक है, और जो ट्रेनी होते थे उनसे उनको करेक्ट करता था, उनकी अगर कोई गलती हो तो उनको भी, प्रशिक्षुओं को करेक्ट करता था, और जो अपने साथी सोल्जर थे उनको भी सहायता करता था। हैंस इनवाइटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम एवरी क्वार्टर, लेकिन हर बार उसके लिए कोई ना कोई क्रिटिसिज्म, कोई ना कोई समस्या हो जाती थी। वंस ही करेक्टेड वन ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर्स कॉर्पोरल टर्नबुल, हु अवेंज्ड हिज ह्यूमिलिएशन बाय अपॉइंटिंग क्वेल्च एज द परमानेंट कुक हाउस इन चार्ज। एक बार उसने अपने जो इंस्ट्रक्टर थे कॉर्पोरल टर्नबुल के नाम से, उन्होंने मतलब उसने उनकी सहायता की एक बार, ठीक है, करेक्ट किया, मतलब सहायता क्या किया, उसकी गलती को सुधारा था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसे परमानेंट कुक हाउस में, खाना बनाने वाले कुक हाउस में उसको इंचार्ज बना दिया उसकी नॉलेज को देखकर, ठीक है, उससे छुटकारा पाने के लिए। देखिए लेसन पढ़ते हैं हम। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपोट, सबसे पहले मैं उससे ट्रेनिंग डिपो में मिला था। ए मैन इज लायबल टू एक्वायर एट हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ टुगेदर विद हिज यूनिफॉर्म राइफल एंड इक्विपमेंट एंड ए निकनेम, एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी ट्रेनिंग के पहले ही सप्ताह में अपनी पूरी यूनिफॉर्म के साथ में, पूरी राइफल और अपने पूरे शस्त्रों के साथ में देखा जा सकता था, और साथ ही उसका एक निक नाम भी दे दिया गया था इतनी जल्दी। एंड इवन सा प्राइवेट क्वेल्च लैंकी स्टूल स्टूपिंग फ्लोइंग थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स अंडरस्टूड व्हाई ही वाज नोन एज द प्रोफेसर, कोई भी व्यक्ति जो उसको देखता था लैंकी, थोड़ा झुका हुआ, स्टूपिंग, ठीक है, फ्रॉनिंग थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स, और जो अपने लोहे के स्पेक्टेकल्स में से, मतलब लोहे की डंडियों वाले चश्मे में से देखता रहता था, अंडरस्टूड व्हाई ही वाज नोन एज द प्रोफेसर, वो समझ जाता था कि उसे प्रोफेसर क्यों कहा जाता था। दोज हु हैड एनी डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट्स कन्वर्सेशन विद हिम, किसी भी व्यक्ति को यदि कोई समस्या होती थी, कोई डाउट होता था, तो वो 5 मिनट की बातचीत के बाद, अगर वो 5 मिनट अगर इससे बात कर लेते थे तो उसका डाउट समाप्त हो जाता था, उसको सॉल्यूशन मिल जाता था। आई रिमेम्बर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्केटरी, मस्केटरी बोलते हैं छोटी जो हैंडगन होती है सिपाही की, उसको बोलते हैं, ठीक है, राइफल की, जो लेखक है वो बता रहा है कि मुझे अपनी पहला लेसन जब हमें मस्केटरी सिखा रहे थे तो उसके बारे में याद है। वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल व्हाइल ए सर्जेंट, ए मैन एज डार्क एंड सन ड्राइड एज रेजिंस वेयरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स डिस्क्राइब्ड द मैकेनिज्म ऑफ ए सर्विस राइफल। तो जब राइफल शूटिंग पढ़ा रहे थे, हमें मस्केटरी पढ़ा रहे थे, तो हम एक गोले में खड़े हुए थे, ठीक
ठीक है, और सार्जेंट एक मतलब पोस्ट है, ठीक है। तब वी स्टूड इन अटेंटिव सर्किल व्हाइल ए सर्जेंट, और सर्जेंट कैसा था, ए मैन एज डार्क एंड सन ड्राइड एज रेजिंस, एक ऐसा व्यक्ति उतना ही काला, मतलब जैसे कि धूप में सुखाया गया, इतना मतलब काला व्यक्ति, वेयरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स। फ्रंटियर रिबन्स होते हैं जो आप देखते हो किसी भी सैनिक के जो चेस्ट पर वो मेडल लगे होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ए सर्विस राइफल, वो हमें सर्विस राइफल की प्रक्रिया समझा रहा था कैसे काम करती है। द मजल वेलोसिटी ऑफ स्पीड और स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, ही टोल्ड यू इज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड। उसने बताया था कि जब बैरल से बाहर निकलती है ना गोली, मजल वेलोसिटी और स्पीड एट विच द बुलेट लीव द राइफल, कि जब बुलेट गोली राइफल को छोड़ती है तो उसकी जो स्पीड होती है, तो उसकी जो रफ्तार होती है 2000 फीट पर सेकंड होती है। उसने हमें बताया था ए वॉइस इंटरप्टेड, लेकिन एक आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया, 2440 फीट पर सेकंड, कि जो उसकी स्पीड होती है वो 2440 फीट पर सेकंड होती है, 2000 नहीं, 2440 फीट पर सेकंड होती है। इट वाज द प्रोफेसर, ये बीच में बोलने वाला कौन था, प्रोफेसर था। दैट्स राइट, द सर्जेंट सेड विदाउट एंथुसियाज्म एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, हाँ बिल्कुल सही है। और जो सर्जेंट था उसने बिना किसी उत्साह के, उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और वो अपना लेक्चर जारी रखा उसने। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही पुट क्वेश्चंस टू अस, जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया तो उसने फिर हमसे सवाल पूछे। एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज ही टर्न्ड विद हिम विद हिज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर। रिवेंज होता है बदला लेना, और उसने बदला लेने के कारण, उसने बीच में बोला था तो उसने बदला लेने के कारण बार बार उसने प्रोफेसर से ही सवाल पूछे। द ओनली रिजल्ट वॉज टू एनहेंस द प्रोफेसर्स ग्लोरी, लेकिन जो परिणाम था वो यही था कि बार बार प्रोफेसर की जो रेस्पेक्ट थी, ग्लोरी थी, वो बढ़ती ही जा रही थी, ठीक है, मतलब उसके आंसर हमेशा सही आते थे, ठीक है, उसकी शान बढ़ रही थी। टेक्निकल आइडेंटिफिक टेक्निकल डेफिनेशन, द पार्ट्स ऑफ द राइफल, इट यूज एंड केयर, ही हैड देम ऑल बाय हार्ट। टेक्निकल जो भी डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी, राइफल के पार्ट्स थे, उसका यूज कैसे करते हैं, उसको संभाल के कैसे रखते हैं, वो सारी चीजें उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता थी। द सर्जेंट आस्क्ड यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, सर्जेंट ने पूछा कि क्या तुमने पहले कभी कहीं ट्रेनिंग ली है। द प्रोफेसर आंसर्ड विद ए फ्रेज दैट वाज टू बिकम फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस, नो सर्जेंट, इट इज ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग। तो उसने एक मुहावरे के रूप में कहा, एक शब्द, एक फ्रेज, मतलब एक वाक्यांश के रूप में उत्तर दिया, जो फिर बाद में हम सबके लिए फैमिलियर हो गया था, हम सब समझ गए थे। उसने क्या कहा, नहीं मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है सर्जेंट, इट इज ऑल मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, ये तो अच्छे से पढ़ाई करने का नतीजा है। दैट वॉज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम, ये हमारा पहली बार उससे इंट्रोडक्शन था। वी सून लर्न मोर अबाउट हिम, जल्दी हम उसके बारे में और भी जान गए। ही सा टू दैट ही मीन्ट टू गेट ऑन, ही टोल्ड अस ही हैड ब्रेन्स, ही वॉज श्योर टू गेट ए कमीशन बिफोर लॉन्ग, एज ए फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट ए स्ट्राइक। उसने हमें बताया था, ये पहला परिचय था और हम जल्दी ही जान गए, ही सा टू दैट, मतलब वो इस चीज का ध्यान रखता था, ही मीन्ट टू गेट ऑन, क्योंकि उसका मतलब था कि वो गेट ऑन मतलब ऊपर जाना चाहता था। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, ही हैड ब्रेन्स, उसके अंदर दिमाग था, ही वॉज श्योर टू गेट ए कमीशन बिफोर लॉन्ग, उसको जल्दी ही कोई ना कोई ऑफिसर पद लेना था, उसको कमीशन, कोई ना कोई अधिकारी पद लेना था। एज ए फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट ए स्ट्राइक, और सबसे पहले वो उसका मतलब था कि वो कोई ना कोई स्ट्राइप, स्ट्राइप बोलते हैं पट्टी लग जाती है जैसे ही मतलब कोई ऑफिसर पद लेते हैं, तो वो पद लेना चाहता था। इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड, और अपने एम्बिशन के हिसाब से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो कठिन परिश्रम भी करता था। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, और हमें उससे उसके लिए हमें श्रेय देना पड़ता था कि भाई वो करता है काम। ही बोर आउट ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग देम, वो एक दिन क्या किया कि वो ट्रेनिंग के मैनुअल ले आया कहीं से, कि किस प्रकार से कैसे किस टाइम ट्रेनिंग होती है, और
उनको लेट नाइट तक उसने पढ़ा, ही बेजर्ड द इंस्ट्रक्टर्स विद क्वेश्चन, और फिर बाद में उसने जो इंस्ट्रक्टर थे उनको सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। ही डेल्ड विद एंथुसिज्म एंड ऑन रूट मार्च ही वॉज नॉट ओनली मिरेकुलसली टायरलेस बट इनफरिएटेड अस ऑल विद हिज हॉरिबल हर्टिनेस। वो हमेशा मतलब कोशिश करता था, जैसे वो किताब ले आया, ठीक है, टाइम टेबल ले आया और जो उनका मैनुअल था वो ले आया, और लेट नाइट तक पहले उसको पढ़ा, फिर जो ट्रेनर थे उनसे सवाल पूछता था बार बार, ठीक है। उसके बाद फिर जो रूट मार्च होते थे, ड्रिल होती थी, ठीक है, जो ड्रिल होती थी उसको भी वो पूरे उत्साह के साथ में करता था, व्यायाम करता था, और जो लंबी मार्च होती थी, ठीक है, रूट मार्च, उस पर ही वॉज नॉट ओनली मिरेकुलसली टायरलेस, वो ना सिर्फ मतलब मिरेकुलसली, मिरेकल होता है चमत्कार, कि ना सिर्फ वो चमत्कारिक रूप से बिना थके हुए चलता था, बल्कि क्या करता वो, इनफरिएटेड अस ऑल विद हिज हॉरिबल हर्टनेस, वो अपनी हॉरिबल मतलब होता है भयानक, और हर्टनेस होता है मतलब जिंदा दिली से, मतलब इतना जिंदा दिल था, इतना जोशीला था कि उससे हमें भी उत्साहित करता था, ठीक है। वॉट अबाउट ए सॉन्ग चैप्स इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 मील। वॉट अबाउट ए सॉन्ग चैप्स, चैप्स बोलते हैं दोस्तों को, कि दोस्तों वॉट अबाउट ए सॉन्ग, आपका गाने के बारे में क्या विचार है, क्यों ना हम एक गाना गाएं, इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 मील्स। 30 मील का चक्कर लगाने के बाद भी वो सोचता था कि एक स्वागत के रूप में गाना गाया जाए। इस सैल्यूट एट द पे टेबल वॉज ए मॉडल टू बिहोल्ड। जब पे टेबल के समय, जब वो पे टेबल मतलब जब उनको पेमेंट मिलती थी, भुगतान होता था, उस समय जो उसका सैल्यूट होता था, जब अधिकारी को सैल्यूट करता था, वॉज ए मॉडल टू बिहोल्ड, वो बिल्कुल एक पुतले के रूप में। व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइट ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्म्स एंड मार्च टू द कैंटीन लाइक ए गार्ड्समैन। जब ऑफिसर्स उसके देख रहे होते थे, ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्म्स, वो अपनी पतली पतली भुजाओं को मतलब अपने हाथों को एंड हिलाता था, एंड मार्च टू कैंटीन लाइक ए गार्ड्समैन, और कैंटीन तक एक गार्डमैन की तरह वो चलकर जाता था। एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर टू अस इन हिज ड्रोनिंग रिमोर्सलेस वॉइस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। एंड डे इन एंड डे आउट, दिन में भी और रात में भी, जब भी मतलब उसको मौका मिलता था, वो ही लेक्चर टू अस इन इज ड्रोनिंग रिमोर्सलेस वॉइस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। वो मानव के बारे में, मानव ज्ञान के हर एस्पेक्ट, हर पक्ष में वो हमें ज्ञान देना शुरू कर देता था। हिज ड्रोनिंग रिमोर्सलेस वॉइस, वो अपनी रिमोर्सलेस मतलब होता है जिसे पछतावा भी नहीं होता किसी चीज का, और ड्रोनिंग मतलब भिन भिनाती हुई आवाज में हर समय हमारे लेक्चर देता रहता था। एट फर्स्ट वी हैड ए सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच। शुरू शुरू में हम उसकी रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन फिर हम उससे डरने भी लग गए, हमारे आसपास भी आता था और हम उससे चिढ़ने लग गए थे एक तरीके से। वी ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विद क्लम्सी सार्कास्म्स एंड प्रैक्टिकल जोक्स। वी ट्राई टू हिट बैक एट हिम, हम उसके पीछे से उस पर क्लम्सी सार्कास्म मतलब उसको मतलब एक तरीके से उससे भद्दे मतलब गंदे उस पर व्यंग्य करते थे, ठीक है, और प्रैक्टिकल जोक्स मतलब उस पर जोक मारते थे। द प्रोफेसर स्कार्सली नोटिस्ड, ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज ट्राइब। जो प्रोफेसर था वो शायद ही कभी इन चीज़ों पर ध्यान देता था, क्योंकि वो तो अपने स्ट्राइप के लिए, अपने ऑफिसर पद के लिए हमेशा मेहनत कर रहा होता था। ईच टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम। जब भी हम में से कोई कोई गलती कर देता तो जो प्रोफेसर था वो पब्लिकली सबके सामने उसे सही कराता। वेन एवर वन ऑफ अस शोन द प्रोफेसर आउटशोन हिम, जब भी मतलब हम अच्छा भी करते तो भी प्रोफेसर कोई ना कोई गलती निकालता, आउटशोन, ठीक है। वेन आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर्क क्लीनिंग आउट और आवर हर्ट वी लिसन इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद ए रिंगिंग ड्यूटिफुली बीमिंग थैंक यू सर एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कंडेंसिंग
कॉन्डिसेंडिंग ही वाज, इट वाज ऑलवेज, लेट मी शो यू ओल्ड फेलो, और नो यू विल रुइन योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन। मतलब जब भी हम सुनते थे तो वो किसी ना किसी को भाषण देता रहता था, किसी ना किसी को बोलता रहता था। हाँ, वेन आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर्क, देखिए यहाँ से, कि जब भी हम हार्ड मॉर्निंग वर्क के बाद, सुबह सुबह कठिन परिश्रम करने के बाद, जब हम अपनी, और आफ्टर आउट ऑफ आफ्टर क्लीनिंग आउट आवर हर्ट हट, जब हम अपनी झोपड़ी को साफ कर देते थे, उसके बाद वी लिसन इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, तब हम जो ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज थे, जब हम एक दिन, मतलब जो ऑफिसर्स प्रेज, मतलब जब कभी कभार हमें जो ऑफिसर था वो अगर मान लो हमारी प्रशंसा कर देता, वुड ब्रेक आउट विद ए रिंगिंग, तो फिर वो क्या होता कि ब्रेक आउट विद ए रिंगिंग, वो जोर से चिल्लाता, ड्यूटीफुली बीमिंग, मतलब बहुत ही, या मतलब कोई अदर अगर उसकी प्रशंसा कर देता था तो वो बहुत जोर से चिल्लाता, ड्यूटीफुली, बहुत ही कर्तव्य परायणता के साथ, और बीमिंग बहुत ही खुशी से, थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान, एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कॉन्डिसेंडिंग ही वाज, और कितना सुपीरियर, मतलब कितना श्रेष्ठ अपने आप को दिखाने की कोशिश करता। कॉन्डिसेंडिंग मतलब होता है दिखावा करना, सेखी मारना, ठीक है। इट वाज ऑलवेज, हमेशा वो क्या करता, लेट मी शो यू ओल्ड फेलो, मेरे पुराने साथी, मुझे दिखाओ भले आदमी, और नो यू विल रुइन योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी, तुम इस तरीके से अपनी राइफल को खराब कर दोगे। मतलब वो किसी ना किसी को, जब भी हम सुनते थे तो वो ज्ञान देता रहता था। वी यूज टू प्राइड आवर सेल्वेज ऑन एयरक्राफ्ट रिकग्निशन, हमें बहुत ही, यूज टू प्राइड मतलब हमें इस चीज पर प्राइड था, गर्व था कि हमें एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन के लिए चुना गया था, ठीक है, हवाई जहाज की पहचान करने के लिए। वंस आउट फॉर ए वॉक, एक बार बाहर घूमते हुए, वी हियर द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवर हेड, एक बार हमने प्लेन की आवाज सुनी, अपने ऊपर से बहुत ऊंचाई से उड़ रहा था, नन ऑफ अस कुड इवन सी इट इन द ग्लेयर ऑफ द सन, सूर्य की रोशनी में हम में से कोई भी उसे देख नहीं पाया, सिर्फ आवाज सुनी। विदाउट इवन ए ग्लेंस अपवर्ड, द प्रोफेसर अनाउंस्ड दैट ऑफ कोर्स इज ए नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, बिना उसकी तरफ देखे हुए जो प्रोफेसर था उसने घोषणा की, अनाउंस किया कि ये एक अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर विमान है, इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड बाय द हार्श इंजन नोट, इसको इसकी भारी इंजन की आवाज के कारण बिना गलती के पहचाना जा सकता है, ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, क्योंकि इसका जो एयर स्क्रू है, इसकी मतलब जो प्रोपेलर है, इसकी जो आवाज है, ठीक है, टिप, जो टिप स्पीड है वो तेज होती है, ठीक है, इसलिए। व्हाट कुड ए गैंग ऑफ लाउड्स लाइक्स अस डू विद ए मैन लाइक दैट, हम जैसे जो लाउड्स, लाउड्स बोल सकते हो कि आवारा, एक तरीके से हम जैसे आवारा लोगों की गैंग में, इतना पढ़ा लिखा या इतना प्रोफेसर आदमी का क्या काम था। नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट द ड्राउजी समर आफ्टरनून विच वॉज सच ए टर्निंग पॉइंट इन द प्रोफेसर लाइफ, हम में से कोई भी उस ड्राउजी समर आफ्टरनून को, मतलब उस ड्राउजी होता है उनीदा कर देने वाली, मतलब एक आलस्यमयी, एक जो समर आफ्टरनून, गर्मी की दोपहर थी, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। विच वॉज सच ए टर्निंग पॉइंट इन द प्रोफेसर लाइफ, जो कि प्रोफेसर के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में, एक बदलाव के रूप में चेंज हो गया उसके बाद उसका जीवन। वी वर स्प्रॉलिंग कंटेंटेडली ऑन द वार्म ग्रास व्हाइल कॉर्पोरल टर्नबुल वाज टेकिंग ए लेसन ऑन द हैंड ग्रेनेड, हम क्या कर रहे थे, वी वर स्प्रॉलिंग कंटेंटेडली, कंटेंटेडली मतलब होता है आराम से, हम अपने स्प्रॉलिंग ऑन द वार्म ग्रास, हम लेटे हुए थे या पैर पसार रहे थे घास पर। व्हाइल कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज टेकिंग ए लेसन ऑन द हैंड ग्रेनेड, जब कॉर्पोरल टर्नबुल हैंड ग्रेनेड के बारे में हमको बता रहे थे, लेसन ले रहे थे हमारा। कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति थे, बट ही वॉज नॉट ए मैन टू बी ट्रिफलेड विद, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिसे आराम से आप मूर्ख बना सको, उनको धोखा देना आसान नहीं था। ही हैड कम बैक फ्रॉम
ड्यूकिर्क विद ऑल इज इक्विपमेंट करेक्ट एंड अकाउंटेड फॉर एंड इज पैट किटन इन इज पॉकेट। वो डंक शहर से आए थे, डंकिर्क से, ठीक है, विद ऑल इज इक्विपमेंट, अपने पूरे सामान के साथ में, एंड अकाउंटेड फॉर एंड हिज पैट किटन इन हिज पॉकेट, और साथ में उनकी एक छोटी पालतू बिल्ली भी उनके साथ में रहती थी। ही वॉज अवर हीरो, वो हमारा हीरो था, एंड वी यूज टू टेल ईच अदर दैट ही वॉज सो टफ, और हम एक दूसरे से कहते थे कि वो बहुत ही मजबूत है, दैट यू कुड हैमर नेल्स इनटू हिम विदाउट इज नोटिसिंग इट। हम इतना कहते थे कि इतना मजबूत था, इतना हस्त पुष्ट था कि आप उसको बिना बताए उसमें हैमर नेल्स, मतलब उसके अंदर हथौड़ी मार सकते हो, कील ठोक सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा, इतना मजबूत था। द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड एज यू कैन सी, कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज सेइंग, कॉर्पोरल टर्नबुल जब हमें पढ़ा रहे थे, लेसन दे रहे थे, तो उसने बताया द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड एज यू कैन सी, जितना आप जान देख सकते हो कि ग्रेनेड की जो आउटसाइड होती है इज डिवाइडेड अप इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स टू असिस्ट सेगमेंटेशन। ये जो आप हैंड ग्रेनेड देखते हो, इसको बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया है टू असिस्ट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की इससे ज्यादा, इसके और ज्यादा इसको तोड़ा नहीं जा सके, ठीक है, सेगमेंट नहीं हो। 44, 44, 44 हिस्सों में, व्हाट्स दैट, द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, कॉर्पोरल ने अपने कंधों को उचकाते हुए देखा कि ये कौन बोला। 44 सेगमेंट, द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर कौन था, प्रोफेसर था, 44 हिस्से होते हैं, प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर उसकी तरफ मुस्कुराया थोड़ा सा। द कॉर्पोरल सेड नथिंग बट हिज ब्रो टाइटन्ड, कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी भौहें तन गई थी। ही ओपन्ड हिज माउथ टू रिज्यूम, उसने आगे जारी रखने के लिए मुंह खोला। एंड बाय द वे कॉर्पोरल वी वर ऑल थंडर स्ट्रक, और बाय द वे मैं मानता हूं, बाय द वे जरा यह बताओ कॉर्पोरल, वी वर ऑल थंडर स्ट्रक, हम सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए। द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन, प्रोफेसर फिर से बोल रहा था, शुड नोट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद द फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनेड, आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू यू नो। ये कहता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सबसे पहले इसके पांच कैरेक्टरिस्टिक, जो इसकी पांच विशेषताएं होती है, उनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं दूसरे कैंप में, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। इन द साइलेंस दैट फॉलोड ए डार्क फ्लश स्टेंड द टैन ऑफ द कॉर्पोरल फेस, काफी देर जो मतलब थोड़ी सी शांति हुई, लेकिन इसके बाद ए डार्क फ्लश स्टेंड द टैन ऑफ द कॉर्पोरल फेस, जो कॉर्पोरल था उसका चेहरे का रंग बदल गया। हेयर ही सेड एट लास्ट, अंत में उसने कहा, यू गिव दिस लेक्चर, एक काम करो तुम ही लेक्चर दे लो, एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर ही टोस्ड द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर, कुछ और कहने की हिम्मत नहीं थी, मतलब और कुछ नहीं बोला, मानोगे और कुछ वो बोलना ही नहीं चाहता था, उसने जो ग्रेनेड था वो प्रोफेसर की तरफ फेंक दिया। क्वाइट अनबेस्ड प्राइवेट क्वेल्स क्लाइम्ब टू हिज फीट एंड विद द एयर ऑफ ए मैन कमिंग इनटू हिज ब्राइट बर्थ राइट गेव अस एन अनएक्सप्लेनेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड। क्वाइट अनबेस्ड, बहुत ही ज्यादा मतलब सॉरी क्वाइट, हाँ क्वाइट अनबेस्ड मतलब बिना किसी संकोच के, उसको कोई शर्म या संकोच नहीं थी। प्राइवेट क्वेल्च क्लेम टू हिज फीट, प्राइवेट क्वेल्च अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एंड विद द एयर ऑफ ए मैन कमिंग इन टू हिज बर्थ राइट गेव अस एन अनएक्सपेक्टेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड, और जैसे कि उसको बर्थ राइट, जैसे उसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया हो, उसने हमें अनएक्सपेक्टेबल मतलब बिना एक मतलब जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा एक बहुत ही अच्छा हमें भाषण दिया। द स्क्वाड लिसन इन ए कॉर्ड सॉरी द स्क्वाड लिसन इन ए काउड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस, जो पूरी स्क्वाड था, पूरी की पूरी टुकड़ी थी सेना की, उसने भयभीत होकर थोड़ा सा डरे हुए पूरे भाषण को सुना। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड एंड वॉच्ड, खड़े रहे कॉर्पोरल टर्नबुल और उसको देखते रहे।
इम्पैसिव एक्सपेक्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर ए सर्टेन इंटेंटनेस ऑफ गेज, वो काफ़ी देर इस चीज़ के मतलब उसमें खड़े रहे कि वहाँ कोई ना कोई उसको गलती मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल वो इंटेंटनेस बिल्कुल चुपचाप ध्यान से खड़े रहे। व्हेन द लेक्चर वाज फिनिश्ड, जब लेक्चर ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा थैंक यू प्राइवेट क्वेल्स, धन्यवाद प्राइवेट क्वेल्स, फॉल इन विद अदर्स नाउ, अब दूसरों के साथ जाके आप खड़े हो जाओ। He did not speak again until we had fallen in and were waiting to be dismissed. Then he addressed us. उसने तब तक कुछ नहीं बोला जब तक हम मतलब एक जगह जाके लाइन में खड़े नहीं हो गए। फिर उसने कहा, हमारी तरफ देखकर हमें संबोधित करते हुए कहा, As some of you may have heard, he began deliberately. उसने शुरू किया मतलब हमें deliberately मतलब हमें सचेत करते हुए कि जैसा ही आप सब या आप में से कुछ लोग जानते हैं, द प्लाटून ऑफिसर हैज आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू फोर, कि हम प्लाटून का जो ऑफिसर है उसने आप में से किसी एक का नाम लेने के लिए, एक को नॉमिनेट करने के लिए मुझे बोला है। फोर मतलब किस चीज के लिए ये नहीं बताया उसने। फोर ही पॉज्ड एंड लुक्ड lingeringly up and down the ranks as if seeking final confirmation of a decision. उसने मतलब सारी पंक्तियों को वो रुक गया और उसने पहले सारी पंक्तियों को रैंक को देखा as if seeking final confirmation of a decision, जैसे कि वो मतलब एक फाइनल कन्फर्मेशन कि भाई अंतिम निर्णय कि मतलब वो कन्फर्मेशन चाहता था, पुष्टि चाहता था कि हम मुझे बोला है नॉमिनेट करने के लिए। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट, तो ये एक बड़ा मोमेंट था। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लेंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्च, हम लोग सब प्राइवेट क्वेल्च की तरफ देखे बिना नहीं रह सके। वो स्टूड रिगिडली टू अटेंशन एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से सीधा खड़ा हुआ था अटेंशन में, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा सीधे सामने की ओर घूरता हुआ बिल्कुल इनोसेंट रूप से बिल्कुल भोले व्यक्ति की तरह आराम से खड़ा था। तब जो टर्नबुल था उसने कहा फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी, कि कुक हाउस की परमानेंट ड्यूटी के लिए स्थायी रूप से लंगर जो होता है खाना चलता है उसमें फौज में, आई हैव डिसाइडेड दैट प्राइवेट क्वेल्च इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब, तो मैंने निश्चित कर लिया है कि प्राइवेट क्वेल्स उस जॉब के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। ऑफ कोर्स इट वाज ए जोक फॉर डेज आफ्टरवर्ड्स, जोक एंड ए जॉय टू ऑल ऑफ अस, वास्तव में उस दिन के बाद ये सब हमारे लिए एक जोक या एक मजाक की बात हो गई थी। आई रिमेम्बर दो, हालांकि मुझे याद है, माई फ्रेंड ट्रेवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद मैं और मेरा दोस्त ट्रेवर उसके बारे में बात कर रहे थे। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आवर ओन हट, जब हम कैंटीन से अपने खुद के घर में या अपने झोंपड़ी में आ रहे थे। वेल ट्रेवर रिमार्क्ड एज वी पास्ड द कुक हाउस, जैसे हम कुक हाउस के पास से गुजरे तो ट्रेवर ने रिमार्क किया, आई रेकन द गीजर्स हैड हिज गोब स्टॉप्ड फॉर ए बिट ए, उसने थोड़ा सा मतलब टिप्पणी की कि मैं मानता हूँ, आई रिकन दैट गीजर्स हैड हिज गोब स्टॉप्ड फॉर ए बिट, कि उसने सिर्फ छोटी सी बात के लिए उसने अपना मुंह बंद करा लिया। ठीक है, किसकी बात कर रहा है। आई डिड नॉट आंसर बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, मैंने उसको जवाब नहीं दिया लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ के कुक हाउस की तरफ इशारा किया। थ्रू द ओपन डोर वी कुड सी द थ्री कुक्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एज इफ एट बे, थ्रू द ओपन डोर खुले हुए दरवाजे में से वी कुड सी, हम देख सकते थे द थ्री कुक्स, जो तीन कुक थे, स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे खड़े हुए थे, एज इफ एट बे, जैसे कि मान लो वो किसी खाई के पास खड़े हों। एंड फ्रॉम विद इन केम द मोनोटोनस बीट ऑफ ए फैमिलियर वॉइस, और वहां से एक जानी पहचानी आवाज का एक मोनोटोनस मतलब नीरस सा एक
स्वर आ रहा था, आवाज आ रही थी, रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एबोमिनेबली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजेनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज। रियली आई नीड ओनली ड्राइव योर अटेंशन टू द शीर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज। वहाँ क्या कह रहा था, वास्तव में रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एबनोवेबली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजेनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज। वहाँ पे कोई बोल रहा था कि मैं तुम्हारे इस एबोमिनेबली घृणित तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से, अवैज्ञानिक और अनहाइजीनिक जो मतलब अस्वच्छतापूर्ण जो मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज, आलू छीलने का जो तरीका है, इससे मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, घृणा करता हूँ या विरोध करता हूँ। आई नीड ओनली ड्राइव योर अटेंशन, मैं तुम्हारा जो ध्यान है वो अटेंशन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ टू द सीर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज, जो आप विटामिन की बर्बादी, शुद्ध विटामिन को बर्बादी कर रहे हो, इसकी मैं तुम्हारी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। क्या समझे, बिल्कुल सही समझ रहे हो। कौन बोल रहा था, प्रोफेसर बोल रहा था, क्योंकि उसे हर चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज थी। ठीक है, वी फ्लेड, हम वहां से भाग गए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छूटा हुआ था। ठीक है भाई, तो देखो कई बार ज्ञान ज्यादा होना भी समस्या पैदा कर देता है। ठीक है, अलेक्जेंडर बैरन के द्वारा लिखा गया था लेसन, ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन फाइंड आउट करो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको PDF दे दूंगा। ओके, थैंक यू।